गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 62 फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 62 फिल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा पेज नंबर 61 है उसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ कॉन्वर्सेशन के क्वेश्चंस दिए हैं, हमें जिनको सॉल्व करना है, और पेज नंबर 62 में भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको 1 to 7 अपनी लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, और आज हम 8 to 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो 8 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, देखिए, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, मतलब आपके कितने भाई हैं। ठीक है, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो आप कैसे लिखोगे? आई हैव, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, तो मैं 2 लिख सकती हूं। आपके अगर 1 ब्रदर है तो आप 1 ब्रदर लिख सकते हो, अगर आपके भाई नहीं है तो आप नो ब्रदर भी लिख सकते हो। फिर ब्रदर, बी R O T H E R, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, बताइए? I have no brother, I have 1 brother, I have 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं, तो मैंने इसीलिए क्या लिखा है, I have 2 brothers। तो यहाँ पर जो मैंने डैश छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है, उसमें आपके जितने भाई हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर लीजिएगा। अगर आपका 1 भाई है तो आई हैव 1 ब्रदर, अगर आपके 2 भाई हैं तो आई हैव 2 ब्रदर्स, अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आई हैव नो ब्रदर्स। ओके, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो बच्चों, आप जानते हो ना आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आई स्टडी इन क्लास 3। तो लिखते हैं, आई स्टडी, टी यू डी वाई, आई स्टडी इन क्लास, सी एल ए डबल एस क्लास 3। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 3, टी एच आई आर डी। ठीक है, क्या हो गया, आई स्टडी इन क्लास 3, मतलब हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 3 क्लास में पढ़ते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, मतलब आपके स्कूल का नाम क्या है। तो आप जानते हैं अपने स्कूल का नाम क्या है, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। तो चलिए लिखते हैं, तो माई स्कूल नेम इज, माई स्कूल्स नेम इज कृष्णा पब्लिक के आर आई एस एच एन ए, कृष्णा पब्लिक पी यू बी एल आई सी पब्लिक जूनियर, बच्चों जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, हाई स्कूल एस सी एच डबल ओ एल। ठीक है, तो क्या हुआ, माय स्कूल नेम इज कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, तो हमारे स्कूल का नाम क्या है, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब आपकी स्कूल यूनिफॉर्म का कलर क्या है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए, द कलर ऑफ माय
स्कूल, यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म चेक में है ना, चेक शर्ट है, चेक चेक में और ब्लैक पैंट है। तो हम लिखने वाले हैं चेक में, हमारे में रेड कलर, मेहरून सा कलर बहुत है, तो हम लिखने वाले हैं द कलर ऑफ माई स्कूल यूनिफॉर्म इज रेड एंड ब्लैक। ठीक है, कौन सा कलर है? रेड एंड ब्लैक, तो बी एल ए सी के। ठीक है, तो बताइए कौन सा कलर है? तो द कलर ऑफ माई स्कूल यूनिफॉर्म इज रेड एंड ब्लैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? वॉट इज योर प्रिंसिपल नेम? वॉट इज योर प्रिंसिपल नेम मतलब आपकी प्रिंसिपल मैम का क्या नेम, क्या नेम है बताइए। तो आपकी प्रिंसिपल मैम का क्या नेम है? आपको पता है ना हमारी प्रिंसिपल मैम का नाम क्या है? मिसेस शालिनी अग्रवाल। तो चलिए लिखते हैं, माय स्कूल प्रिंसिपल पी आर आई एन सी आई पी ए एल माई स्कूल प्रिंसिपल नेम प्रिंसिपल्स नेम इज मिसेस, क्या है? माई स्कूल प्रिंसिपल नेम इज मिसेस शालिनी अग्रवाल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वॉट इज योर क्लास टीचर नेम मतलब आपकी क्लास टीचर का नेम क्या है? तो लिखते हैं, चलिए, माई क्लास टीचर नेम क्या है? मिस मनीषा तिवारी टी आई डब्ल्यू ए आर आई। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है क्या है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड मतलब तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो अपना आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बताइए। तो बच्चों क्या है आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन था वो क्या था? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो अपने दोस्त का नाम लिखना है सबसे पहले, फिर इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो क्या हो गया? जैसे मेरी फ्रेंड का नाम अवनी है तो मैं क्या लिखूंगी? अवनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, और आपकी फ्रेंड का नाम जो भी होगा वो आपको यहां लिखना होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला अवनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसे आपको आपकी फ्रेंड का नाम जो भी है वो आप यहां लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप कैसे लिखोगे? आई लाइक ब्लैंक द मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों? अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है तो मैं लिख सकती हूँ आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। ठीक है, अगर आपको हिंदी पसंद है तो आप लिख सकते हो आई लाइक हिंदी द मोस्ट,
है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं, आई लाइक हिंदी द मोस्ट। चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, मतलब अब आपको कौन सा खेल है ऐसा जो आपको बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे तो चेस पसंद है, किसी को हॉकी पसंद होता है ना, और किसी को क्रिकेट पसंद होता है। बॉयज को तो आपको पता है ज्यादातर क्रिकेट ही पसंद होता है, तो किसी को चेस पसंद होता है, किसी को हॉकी पसंद होता है, किसी को क्रिकेट पसंद होता है। तो आपको कैसे लिखना है, आई लाइक चेस द मोस्ट, मुझे चेस पसंद है इसीलिए मैंने चेस का नाम लिया। आपको जो गेम पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हो। तो आई लाइक ब्लैंक द मोस्ट, मुझे चेस पसंद है तो मैंने क्या बोला, आई लाइक चेस द मोस्ट, मतलब मुझे चेस सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे शतरंज खेलना सबसे अच्छा लगता है ना। तो आपका कौन सा फेवरेट गेम है वो आप इस ब्लैंक में भर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है देखिए, वॉट इज योर फेवरेट फूड, मतलब आपका फेवरेट खाना क्या है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, माई फेवरेट एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई, माई फेवरेट फूड इज। देखिए बच्चों, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, अपना फेवरेट खाना लिखना है कि आपको फेवरेट फूड में क्या पसंद है। जैसे कि मुझे तो डोसा पसंद है ना, और आपको कुछ और पसंद हो सकता है, तो माय फेवरेट फूड इज डोसा। ठीक है, आपको कुछ और पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हो। कुछ लोगों को पाव भाजी पसंद होती है ना, किसी को इडली सांभर पसंद होते हैं, किसी को छोला भटूरे पसंद होते हैं। तो जो भी आपकी फेवरेट फूड है वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है देखिए, तो 18 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वॉट इज योर फेवरेट कलर, मतलब आपका फेवरेट कलर कौन सा है। अब हमको क्या लिखना है, अपना फेवरेट कलर लिखना है। तो माय फेवरेट कलर इज, अब देखिए मेरा फेवरेट कलर है पिंक। ठीक है, किसी का रेड होता है, किसी का येलो होता है, किसी का फेवरेट कलर ग्रीन होता है ना। तो आपका भी जो फेवरेट कलर है वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, पिंक, तो मैं क्या लिखूंगी, माय फेवरेट कलर इज पिंक। ठीक है, अगर किसी का फेवरेट कलर ग्रीन है तो वो क्या लिखेगा, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। तो आपको समझ आया। चलिए अब हम 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, मतलब ऐसा कौन सा फल है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है मुझे तो मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है। अब किसी को कोई और फ्रूट पसंद होता है, किसी को पोमीग्रेनेट होता है, किसी को सैपोडेला होता है ना, किसी को स्ट्रॉबेरीज होता है। तो जिसको जो फ्रूट पसंद होगा वो उसका नाम लिख लेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, आई लाइक मैंगो द मोस्ट, आई लाइक मैंगो द मोस्ट, मतलब मुझे मैंगो सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मुझे फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट पसंद है सबसे ज्यादा बच्चों, मैंगो। और आपको हो सकता है मैंगो हो, बनाना हो, एप्पल हो, है ना। तो आप लिख लोगे आई लाइक एप्पल द मोस्ट, मैं लिख रही हूँ आई लाइक मैंगो द मोस्ट। इस ब्लैंक में आप अपना फेवरेट फ्रूट लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो 20 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वॉट इज योर हॉबी, मतलब आपकी हॉबी क्या है। तो बच्चों, हमारी कुछ ना कुछ तो हॉबी होती है। जैसे मेरी हॉबी है सिंगिंग, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको डांस करना, किसी को डांस करना बहुत पसंद होता है, किसी को रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है ना, किसी को खेलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी हॉबी लिख सकते हो। तो जैसे माय हॉबी इज, अब यहां पर हमको क्या लिखनी है, अपनी हॉबी लिखनी है। अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबी है तो आप लिखोगे माय हॉबीज आर। ठीक है, और अगर आपकी एक हॉबी है तो आप यहां लिख सकते हो माय हॉबी इज डांसिंग,
माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज ड्रॉइंग, माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग, ठीक है। और अगर आपकी बहुत सारी हॉबीज है तो आप कैसे लिखोगे, माई हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, ओके। बच्चों आपको कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 62 फिल करना आया कि आपको कैसे करना है, तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 62 फिल करना है, ओके। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 62 फिल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए गुड बाय।